अभी ये पंचेश्वर है नेपाल में, एक 10 दिन पहले नेपाल के उप प्रधानमंत्री मेरे पास आए थे। मैंने कहा मैं आपको समझाता हूँ अनऑफिशियली, आप देखो पंचेश्वर के लिए 50,000 करोड़ रुपये लगते हैं, 6,000 मेगावाट पावर होती है। मैंने बोला आधा पैसा लैंड में तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए सब भारत सरकार करेगी, ऐसा प्रपोजल दो और आप 2,500 मेगावाट पावर लो। नेपाल को पावर कितनी लगती है? 2,500 मेगावाट। पूरी पावर आप ले लो 2,500 मेगावाट, उसका इनकम ही आपको मिल जाएगा और पंचेश्वर के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ खत्म हो जाएंगे, तो सबको विन विन है। मैं जब था तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल, खूब झगड़े थे। 1970 से 23 झगड़े थे, मैंने 16 सुलझाए। सब मुख्यमंत्री आते थे, बोलता था दरवाजा बंद कर, और बंद करके मैं बोलता था जब तक तुम सोल्यूशन नहीं निकालोगे दरवाजा नहीं खुलेगा। आपको ताज्जुब होगा 17 झगड़े मैंने मिटा दिए। ये पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा, 3 को बाकी भारत को मिला, तो हमारे 3 नदियों का अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है। और इधर पंजाब हरियाणा एक दूसरे से इतना झगड़ा करते कि पानी के लिए, पानी की कमी नहीं है। अभी मैंने इंदिरा कैनाल जो बनाया जिसको केवल कॉन्क्रीटिंग किया 2200 करोड़ का, तो राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला, पानी की कमी नहीं है। अभी ये पोलावरम जो बना है मेरे समय में 60,000 करोड़ का, बहुत को मैंने मदद की। कालेश्वर बना, काफ़ी तेलंगाना का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और इसमें से हाइड्रो पावर भी आ सकती है और 1 एकड़ में पानी ड्रिप इरीगेशन जाएगा तो 2.5 गुना उत्पन्न बढ़ सकता है। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, वो इरीगेशन में है, उसके भी पोटेंशियल को आप जरूर कभी निकालिए। ये अमृत सरोवर हमने बनाया, अकोला में एक पंजाब राव कृषि विद्यापीठ है, मैंने उनको 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, जहाँ रिकॉर्ड हुआ ना 75 किलोमीटर का, वहाँ 36 तालाब बनाया हमने फुकट में, और जो 450 एकड़ इरीगेशन था वो 10,000 एकड़ हुआ, 22,000 कुएं रिचार्ज हुए, और जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे वहाँ नीम के पेड़ लगे और कड़ू नीम के पेड़ लगे और बढ़िया इरीगेशन बढ़ा, इनकम बढ़ा और परिस्थिति बदल गई 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट। ये हमने अजिंठा देखा होगा आपने, बुल्डाना अजिंठा रोड ब्लैक रॉक था, पूरे रोड को हमने नदी नालों के साथ धरणों को तालाब को खोलीकरण किया। हमने स्कीम बनाई कि हमारा रोड कॉन्ट्रैक्टर जो एग्रीगेट यूज़ होता है वो वहाँ से निकालेगा और रोड में यूज़ करेगा उसके पैसे से, रॉयल्टी सरकार को नहीं देगा, आम के आम गुठली के दाम, फुकट में काम हुए। तो आप रेलवे में, इरीगेशन में, सब जगह ही हो सकता है वाटर कंजर्वेशन, और ये अगर हो गया तो देश का सिंचाई बहुत बढ़ जाएगी, और इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो हमने लिया है। बाद में इसके साथ साथ टूरिज्म की कनेक्टिविटी भी हमने ली है। टूरिज्म यह ऐसा फील्ड है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। मैं फिर से फिक्की को रिक्वेस्ट करूंगा, अब रोड रोड पर मैं बहुत बोल चुका हूं, यहां आता हूं मैं ज़्यादा क्या बोलूंगा, वो सब आप देखते ही हो। अब आप अगला सेमिनार लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी में, रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, बस पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे पार्किंग प्लेसेस, लॉजिस्टिक पार्क, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता। और डॉफल मेयर ने फिलीपींस में एक बनाई हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, मैंने मुंबई में प्रपोज किया, अभी कोई लैंड नहीं कुछ नहीं। अब धौला कुआ से मानेसर मैं बनाना चाहता हूँ, सरकार के पैसे की जरूरत ही नहीं है, 22 का IRR है और रोड मेरा ही है। अब वो हाइपर लूप वाले मिले तो मतलब आओ ना, आपको बुलेट ट्रेन बनाना हाइपर लूप है, मैं 24 घंटे के अंदर लैंड देता हूँ दिल्ली मुंबई, आप करो। अब रोड इज रेडी, मैं ई हाईवे बनाना चाहता हूँ, अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है, अब 6 महीने में देखो 50,000 बसेस हिंदुस्तान में आएंगी, डबल डेकर बसेस आएगी, लग्जरी बसेस यूरोप की जैसी इलेक्ट्रिक पर। तो उसमें ये रोप वे, केबल कार, अभी 165 प्रपोजल मैं मंजूर कर रहा हूँ, अब कॉन्ट्रैक्टर नहीं, जॉइंट वेंचर नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसमें आप आओ।
बहुत से वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को ले आओ और इसमें कितना बड़ा काम हो सकता है, इससे टूरिज्म बढ़ेगा। अभी हम राम वनगमन मार्ग 258 किलोमीटर 5000 करोड़ काम चालू किया, राम जानकी मार्ग 436 किलोमीटर 2000 करोड़ यूपी और बिहार में काम चालू हो गया, ब्रज कोसी ये मथुरा में हम लोग जो प्रदक्षिणा होती है वो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 235 किलोमीटर 4000 करोड़ अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अयोध्या रिंग रोड 67 किलोमीटर 4500 करोड़ स्टार्ट हो गया, बुद्ध सर्किट पूरे वर्ल्ड के बुद्ध भगवान बुद्ध हमारी विरासत है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में सब स्थान है और ये बुद्ध सर्किट में हमने 20,000 करोड़ का लगभग कंप्लीट किया है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड इतने टूरिस्ट आते हैं, वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। तो ये बुद्ध सर्किट, चार धाम प्रोजेक्ट पूरे साल भर आप जा सकोगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हमने वहाँ रोपवे का भी काम शुरू कर रहे हैं और वहाँ कितने होटल्स रेस्टोरेंट्स 3 गुना बढ़ेंगे। मैं भी चुनाव के प्रचार के लिए गया था तो मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूशन में था तो उन्होंने बड़े अभिमान से कहा, नितिन जी आपको पता नहीं हमारे यहाँ कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो भाषण दे रहे थे, बोले 12 फ्लाइट्स आती है रोज दिल्ली से, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। मैंने भाषण में चिंता मत कर, दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। अब मुंबई से पुणे 10 फ्लाइट आती थी जेट एयरवेज में, एयर इंडिया, अब एक भी नहीं आती है क्योंकि 2 घंटे में डेरट हो जाएंगे, तो यहाँ से एयरपोर्ट जाओ 1 घंटा, फिर वहाँ 1 घंटा बैठो, फिर जाने के लिए 1.5 घंटा, फिर घर जाने के लिए 1 घंटा, 5 घंटे के बजाय 2 घंटे में घर पहुँचेंगे तो कौन जाएगा एयरपोर्ट। तो आने वाले समय में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिसॉर्ट्स ये सब वहाँ बढ़ेंगे, ये प्रोजेक्ट भी अभी चालू हुआ। महाराष्ट्र में पालखी मार्ग बना रहे देहू आलंदी का 12,000 करोड़ का काफ़ी काम 570 किलोमीटर पूरा हुआ है। फिर कैलाश मानस सरोवर थ्रू पिथौरागढ़ 90% काम पूरा हुआ है, -6 डिग्री और -8 डिग्री में वहाँ काम चल रहा है। MiG-26 के हेलीकॉप्टर से मशीन वहाँ लेके गए थे, बहुत कठिन काम है, बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में है, तो मैं तो हेलीकॉप्टर से भी जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि मुझे ऑक्सीजन के बारे में बहुत डर लगता है। तो आज वहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं। जुआरी ब्रिज गोवा का आप देखो जरा एक बार, इतना सुंदर बना है, उसके ऊपर व्यूअर गैलरी बना रहे हैं और कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाएंगे पूरा गोवा दिखेगा, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। बेट द्वारका जो ओखला सिग्नेचर ब्रिज बना रहे हैं द्वारका में, तो मैं आपको यही कहूँ नर्मदा में एक ब्रिज अच्छा डिजाइन करके बना रहे हैं, तो उसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर एस्थेटिक है। मैं आपको एक बता दूँ, मुझे बड़ा आनंद है इसमें, मैं एक नागपुर में फाउंटेन बना रहा हूँ, अभी कल 24 तारीख को उसका पहला पायलट इनॉग्रेशन है। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन है जिसकी फ्लोटिंग फाउंटेन की 50 मीटर हाइट है, उसका आर्किटेक्ट है फ्रांस से, उसके पंप आए टर्की से, उसका संगीत है AR रहमान का, उसकी अंग्रेजी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की, उसकी हिंदी कमेंट्री है गुलजार की, मराठी कमेंट्री है नाना पाटेकर की, 5 ऑस्कर विजेता उस पर काम कर रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि 4000 लोगों की गैलरी बनाई है बैठने के लिए, और उसके म्यूजिकल है, और रेवती करके एक तमिल तेलुगु फिल्म की अभिनेत्री थी, उसको मैंने काम दिया था, इतना सुंदर काम किया है उन्होंने, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। उसके बाजू में मैंने 12 मंजिले बिल्डिंग बनाई, 1100 गाड़ियों का ऑटोमेटिक पार्किंग, और 3rd मंजिले से 30,000 फुट का स्क्वायर फुट का फूड मॉल, 12वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स और 13वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। फिर मैं गार्डन बना रहा हूँ, देखो जिसको इंटरेस्ट है वो करता है, मुझे खाज है मैं करता हूँ, तो मैंने वो अपने MP फंड से 50 लाख रुपए दिए, तो पूरे देश से मैंने फ्लावर इकट्ठा किए, 265 जातियों के कमल के फूल लाए, वो तेलंगखेड़ी बगीचा है उसको मैं कमल का गार्डन बना, 265 जातियों के, 350 जातियों के अभी तक गुलाब कलेक्ट किए, ग्रीन हाउस तैयार किया, वहाँ बहुत बड़ा, जैसे आप वैनकोर में गए होंगे वो बुचर्ड गार्डन देखा होगा, दैट इज़ माई इंस्पायर, वैसे गार्डन बना रहा हूँ, 350 प्रकार के गुलाब डेवलप किए हैं। और मैंने कहा कि लोग 100 रुपये का टिकट निकाल के आने चाहिए, फोकट मत दिखाओ, और इतना सुंदर बनाया कि नेचुरली हम टाइगर कैपिटल है, तो जो नागपुर आता है अभी टाइगर देखना, तो एक एक दिन 8-8 टाइगर देखते ताड़ोबा में,
तो टाइगर देखने के लिए रोज खूब लोग आ रहे फॉरेनर्स, मतलब ये सब फाउंटेन देखने चाहिए। तो टूरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को केवल रेस्टोरेंट चाहिए, छोटे छोटे वॉशरूम्स चाहिए, पार्किंग प्लेसेस चाहिए, क्लीननेस चाहिए। अगर इतना भी हुआ तो इस देश का टूरिज्म इतना बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट का बड़ा, अभी बहुत बड़ा है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, और आप जरूर इसके ऊपर विचार करो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी में ये बिटुमिन रोड कैसे भी बनाओ 2 साल में खराब होता है। एक अल्ट्रा टेक में रिटायर्ड हुए टेक्निकल डायरेक्टर थे, उन्होंने एक वाइट टॉपिंग की टेक्नोलॉजी लाई है, और मैं भी अभी कल मेरी मीटिंग है हमारी सेक्रेटरी के साथ, मैं उनको कहने वाला हूँ कि ये क्या, ये सीमेंट वालों ने कार्टेल करके मेरा गुस्सा आया तो मैंने इनको बंद किया, नहीं तो मैं कॉन्क्रीट रोड बनाने वाला था। पर मैं बोला अल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढो, कुछ इसका लेवल कम करो ताकि इनका सीमेंट कम लगे। तो अभी हम लोग 8 इंच का वाइट टॉपिंग और उसमें रबराइज बिटुमिन को उसका सरफेस, बिटुमिन सरफेसिंग करेंगे, तो मुझे लगता है ये 25 साल कुछ नहीं होगा इसको।